नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाले हैं क्योंकि LIC की वैकेंसी आ चुकी है WO की। शायद आप में से कई लोग काफी इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट की पदों के लिए LIC ने वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और 300 वैकेंसी है दोस्तों, और आपके लिए शानदार मौका है अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या इसकी योग्यता है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। इन सब के बारे में मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसके बारे में बताऊंगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने वैकेंसी क्या आई है, तो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट की, यानी WO भी कहते हैं इसे। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है दोस्तों वो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से मांगी गई है, यानी आपको बैचलर डिग्री पास होना चाहिए। सबसे पहले एज देखें तो एज की जो डेट रखी गई है 1/1/2023 को रखी गई है। इस दिन आपको 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए मिनिमम और अधिकतम आपको 30 वर्ष होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो भी आयु के छूट के पात्र होते हैं उनको मिलेगा रिलैक्सेशन, वो आप एडवर्टाइजमेंट में आप देख भी सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें तो ये 31st बैच होगी दोस्तों 2023 में WO पोस्ट की। अप्लाई डेट शुरू हो रही है आज से 15/1/2023 से और 31/1/2023 इसकी लास्ट डेट है भुगतान करने सहित। उसके बाद जॉब नेचर कैसा है दोस्तों, तो परमानेंट है। पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 300 है, तो अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। सैलरी देखें तो सैलरी जो दोस्तों अगर हम ऐसे देखें तो इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया, उससे से टोटल सैलरी जो पर मंथ बनती है वो 53,600 बनती है दोस्तों। साथ में अलाउंसेस, आपको बहुत सारे अलाउंसेस LIC में मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलाउंसेस LIC में मिलता है दोस्तों। अगर हम ग्रेड 8 टाउन की बात करें यानी बड़े शहर जैसे मुंबई दिल्ली, तो अगर उसमें आपकी पोस्टिंग होती है तो टोटल सैलरी दोस्तों जाती है 92,870, यानी अच्छी खासी सैलरी है। थोड़ा डिडक्शन होगा लेकिन आपको एक अच्छा अमाउंट इन हैंड में मिलेगा दोस्तों। सिलेक्शन मेथड है किस तरह से, तो पहला तो PT होगा दोस्तों, फिर मेंस देना होगा और इंटरव्यू भी रखा गया है, तो ये तीनों मिला के ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अप्लाई मेथड किस तरह से है, तो ये ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा LIC India.in पे। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ। फी की बात करें तो जनरल OBC WS कैंडिडेट के लिए 700 है दोस्तों, प्लस GST चार्ज या ट्रांजैक्शन चार्ज जो भी लगेंगे वो है, लेकिन 700 रखा गया है। और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 85 रुपये है, प्लस GST अतिरिक्त है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है। एग्जाम प्रीलिम्स डेट किस तरह से होगा ये यहाँ पर देखें, तो सबसे पहले 17/2/2023 को यहाँ पर प्रीलिम्स स्टार्ट होने वाला है, या फिर 20/2/2023 को हो सकता है। उसके बाद मेंस जो है दोस्तों वो 18/3/2023 को हो सकता है। ये एक अप्रोक्सीमेशन डेट है जो दिया गया है और इसमें एग्जाम होने की संभावना है, तो आप इसी के व्यू में आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आपको परीक्षा किस प्रकार होगी, क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी जर्नलिस्ट की ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जिसे LIC ने जारी किया था और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखें तो कुल वर्तमान वर्ष में 277 है और पिछले रिक्तियाँ 23 हैं और टोटल मिला के 300 है, जिसमें अनारक्षित यानी अनरिजर्व की 112 सीट हैं, EWS की 27 सीटें हैं। इस तरह से यहाँ पे और भी कैटेगरी में सीटें दिख रही हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मेन एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सहायक प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन होगा वो 3 स्तरीय प्रक्रिया के द्वारा होगा और उसके बाद भर्ती पूर्व आपको चिकित्सा परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी मेडिकल टेस्ट तो होता ही है किसी भी सर्विस को ज्वाइन करने से पहले। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में क्या देखें, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और कितने खंड है, तो 3 खंड से है। तो देखें सबसे पहले आपको तार्किक क्षमता एंड रीजनिंग, इसमें 35 क्वेश्चन है और उतना ही मार्क का ये रहेगा। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में आपको पूछा जाएगा और जो भी है इसमें एक कैटेगरी वाले को 16 नंबर लाने होंगे
और अन्य को 18 नंबर 20 मिनट का समय मिलेगा। उसके बाद देखें संख्यात्मक अभियोगिता में देखें तो इसमें भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे, 16 इसमें लाने और 18 अन्य के लिए लाने हैं, ये भी 20 मिनट का समय मिलेगा। और तीसरा देखें तो इसमें आपको व्याकरण, शब्दावली, बौद्धिक कौशल यानी सारा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, ये सब आपको 30 क्वेश्चन इसमें भी रहने वाले हैं और 30 मार्क का ये भी है अंग्रेजी में सिर्फ रहेगा क्योंकि ये इंग्लिश का ही है पूरा, ठीक है। और इसमें आप 9 नंबर लाना होगा और अन्य के लिए जो है वो 10 नंबर लाना होगा, इसमें भी 20 मिनट। टोटल क्वेश्चन हो गया दोस्तों 100, अधिकतम अंक 70 के हैं, ठीक है, और एक घंटे का समय मिलेगा, इतना में आपको इसको सोल्व करना है, ठीक है। दोस्तों भाषा का जो अंक है वो रैंकिंग के लिए जोड़ा नहीं जाएगा, ऐसा साफ कहा गया है, ठीक है। और जितना भी रिक्त है उसके 20 गुना के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, 20 गुना रिजल्ट मिलेगा। मुख्य परीक्षा का पैटर्न किस तरह से है तो ये देखें, मुख्य परीक्षा 300 अंकों की होगी और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। उसके बाद 25 अंकों की एक वर्णात्मक परीक्षा भी शामिल होगी, यानी डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, ठीक है। और दोनों जो परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन ही होगी, यानी कोई भी ऑफलाइन नहीं होगी, ठीक है। और देखें तो प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग समय होगा, ठीक है। और वर्णात्मक परीक्षा का उत्तर कंप्यूटर पर टाइप करके देना होगा, यानी आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना है वो कंप्यूटर पर ही टाइप करना है, ठीक है। और पहला जो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा परीक्षा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको देने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो देखें सबसे पहले यहाँ पे मुख्य परीक्षा में रीजनिंग किस तरह से है, तो 30 क्वेश्चन है और अधिकतम 90 मार्क का है, यानी एक एक क्वेश्चन जो है वो 3-3 नंबर का है, अंग्रेजी हिंदी में होगा क्वेश्चन। जो कैटेगरी वाइज हैं उनके लिए 40 न्यूनतम चाहिए और 45 अन्य के लिए चाहिए, 40 मिनट का समय मिलेगा दोस्तों। समान ज्ञान करंट अफेयर्स वगैरह, इसमें भी 30 क्वेश्चन लेकिन ये 2-2 मार्क का है अंग्रेजी और हिंदी, साथ में 27 न्यूनतम है कैटेगरी वालों के लिए है और 30 जो है अन्य के लिए, 20 मिनट का समय दोस्तों इसमें मिलेगा। और अगला जो है वो डेटा विश्लेषण है, यानी डेटा एनालिसिस का है, उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन है, अंग्रेजी में सिर्फ रहेगा दोस्तों, हिंदी में नहीं रहेगा। और इसको जो मिनिमम कैटेगरी वालों के लिए नंबर लाना होगा वो 40 और अन्य के लिए जो है दोस्तों वो 45 लाना होगा और 40 मिनट का समय आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखें अगला जो है क्या एग्जाम होगा इसमें, तो विवेचन और इसमें क्या है परीक्षा का माध्यम, हिंदी और अंग्रेजी में है, ठीक है। तो बीमा और वित्तीय बाजार जानकारी से आपको प्रश्नों की संख्या रहेगी 30, अधिकतम अंक 60 यानी 2-2 मार्क का है, अंग्रेजी और हिंदी में रहेगा। 27 न्यूनतम लाना है कैटेगरी वालों के लिए और 30 जो है अन्य, और इसमें भी आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। उस कुल जो है दोस्तों 120 मार्क होंगे और अधिकतम अंक कितने हैं तो 300 है और टोटल टाइम आपको 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद पांचवा नंबर में देखें तो अंग्रेजी भाषा पत्र लेखन और निबंध दोस्तों आ जाएगा, तो प्रश्नों की संख्या 2 रहेगी, यानी ये डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, तो 25 अधिकतम अंक इसके हैं, अंग्रेजी में रहेगा और 9 नंबर इसमें लाने हैं कैटेगरी वालों के लिए और 10 मार्क्स लाने हैं अन्य के लिए, और इसमें अवधि है दोस्तों 30 मिनट, ठीक है। तो इस तरह से है अंग्रेजी भाषा आदि की जो परीक्षा केवल जो योग्यता की प्रकृति होगी, नहीं क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के जो एग्जाम होंगे उसको रैंकिंग के लिए नहीं जोड़ा जाएगा, जैसा कि मैंने प्रीलिम्स में भी कहा है, ठीक है। और वैसे जो उम्मीदवार होंगे उनका वर्णात्मक पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा जो मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ भाग में उत्तीर्ण होंगे, यानी पहले आपको वस्तुनिष्ठ भाग मुख्य परीक्षा का देना होगा, उसके बाद ही डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका जो है वो मूल्यांकन होगा, चेक किया जाएगा। मेरिट किस तरह से बनेगी, तो साक्षात्कार के लिए दोस्तों जो है वो 60 अंक रखा गया है और EWS अनारक्षित OBC ये जो है जनरल OBC EWS हैं उनके लिए 30 अंक क्वालिफाइंग होगा और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 27 अंक है, ठीक है। ये न्यूनतम अगर प्राप्त नहीं करते तो उन्हें चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा, यानी पूरा मेरिट जो है इन सब होने के बाद ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने लगभग आपको पूरी जानकारी दे दी है, अगर इसमें से कोई भी आपको क्वेरीज आती है तो आप मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।